Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning, grade 5. I hope you people are doing good. So, science class is going to be started. Today we are going to start a new chapter, chapter number 5, Light and Shadow. First of all, you people need to take out your textbook and open page number 81. How does light help us see things? Light जो है वो हमें things को देखने में कैसे help करती है? Oh dear, I can't see anything. I need to switch on the lights. अब ये देखो ये बहुत यहाँ पर dark है अंधेरा है वो कुछ भी नहीं देख पा रही. There, now I can see the things in my room. अब देखो उसने light जो है वो on की है तब वो जो है room में जितनी भी चीज़ें हैं जो कुछ भी है उसको देख पा रही है. Why is Rita able to see the things in her room? Once she's turned on the lights, we are able to see things when they reflect light into our eyes. हम चीज़ें कैसे देख सकते हैं ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम लाइट के थ्रू देख सकते हैं. लाइट ऑन होगी अगर वहाँ पे लाइटनेस होगी तो हम देख सकते हैं. अगर डार्क होगा तो हम डार्क में कोई भी चीज़ नहीं देख सकते. लाइट होने के ऑन होने के बाद जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी आइज़ के अंदर और फिर जो है वो हम उन चीज़ों को देख सकते हैं. रिफ्लेक्शन का क्या बेसिक मतलब होता है? बेसिक इसका मीनिंग अक्स है ना कि मतलब उन चीज़ों का हमारी आइज़ के अंदर जो है वो जो भी इमेज बन जाता है और देन जो है वो हम उस चीज़ को देख पाते हैं. रिफ्लेक्शन इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस. रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक है लाइट का फ्रॉम अ सरफेस. कोई भी लाइट जो है जब ऑन होती है वो जिस चीज़ को हमने देखना होता है उस सरफेस के साथ टच करके जो वो है हमारी आइज़ के अंदर रिफ्लेक्ट होती है तब जो है वो है हम चीज़ को देख पाते हैं. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स इट. जब लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है उसको रिफ्लेक्ट करता है. दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आइज़. वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमारी आइज़ के अंदर जाती है और देन हेल्पिंग अस टू सी द ऑब्जेक्ट. ओके फिर हम जो है वो उस चीज़ को उस सब्जेक्ट को देख पाते हैं. पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट सोर्स एंड रिफ्लेक्टेड लाइट. अब ये लाइट है ठीक है. यहाँ से जो है वो लाइट आ रही है उसकी आइज़ में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट देन जो है वो इसको देख पा रहा है. पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट सोर्स. अब ये जो है वो लाइट सोर्स है. अब ये जो है वो लाइट यहाँ पर आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है देन वो जो है वो मिरर में अपने आप को देख पा रही है. स्मार्टी इज़ एबल टू सी एडी बिकॉज एडी इज़ एबल टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स इन टू स्मार्टेस्ट आई. ठीक है. स्मार्टी जो है वो उसको देख पा रहा है एरी को क्योंकि एरी जो है वो इस एबल है कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट उसके आँखों में लाइट सोर्स के ज़रिए और फिर जो है वो उसको स्मार्टी को स्मार्टी जो है वो एरी को देख पा रहा है. मीन इज़ एबल टू सी हर सेल्फ इन द मिरर. मैन जो है वो अपने आप को मिरर में कैसे देख पा रही है? एज द लाइट शी रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द लाइट सोर्स. क्योंकि लाइट जो है वो लाइट सोर्स से रिफ्लेक्ट हो रही है देन रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर बैक टू हर आईज और फिर जो है वो मिरर से भी वापस उसकी आईज़ में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है तब जो है वो जाके मिरर के अंदर जो है वो अपने आप को देख पा रही है. ओके. हाउ डज लाइट ट्रैवल. लाइट जो है वो ट्रैवल कैसे करती है? अब ऑब्वियसली एक रूम है उसके अंदर अगर आप कोई भी लाइट लाइट बल्ब या एनर्जी सेवर ऑन करते हो तो लाइट ट्रैवल करती है तो पूरे पूरा जो कमरा होता है जो भी जगह होती है जो भी स्पेस होती है वो रोशन हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है. द पिक्चर्स बिलो शो एग्जांपल्स ऑफ वेयर वी कैन सी लाइट रेज क्लियरली. व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट दीज रेज ऑफ लाइट. ये जो पिक्चर है ये प्रॉपरली शो कर रही है कि लाइट्स जो हैं वो कैसे ट्रैवल करती है. ठीक है. Rays of light passing through the thick canopy in the forest. अब ये जो हैं वो ये sunlight की rays हैं. ये जो thick जो forest होते हैं उनके अंदर sunlight ऐसे ही आती है ना क्योंकि उनके अंदर space बहुत कम होती है. अब ये rays हैं उसकी और ये rays क्या हैं? Straight हैं. Light from the headlamps of a car. कार के जो हेडलैम्प्स होते हैं ये उनकी लाइट्स हैं और ये लाइट कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्टर. ये जो प्रोजेक्टर लगाते हैं उसकी लाइट्स है. अब ये आप देख सकते हो ये जितनी भी मतलब टाइप्स हैं लाइट्स लाइट्स की और जो रेज़ हैं वो स्ट्रेट जो हैं वो
ट्रैवल कर रही हैं। डू यू नोटिस दैट द पाथ ऑफ लाइट इन द पिक्चर आर स्ट्रेट? क्या आप नोटिस कर रहे हो कि जितने भी पाथ्स हैं इन पिक्चर्स में वो स्ट्रेट हैं? व्हाट डज दिस टेल अबाउट हाउ लाइट ट्रैवल? तो ये हमें क्या बताते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? ऑब्वियसली हमें ये यही बता रहे हैं ना कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। दीज एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स ओनली इन स्ट्रेट लाइन्स। ये एग्जाम्पल्स क्या इलुस्ट्रेट कर रही हैं कि इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को इलुस्ट्रेट कर रही हैं। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? सिर्फ एक। वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि लाइट जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करती है। मैन, कैन यू मूव अ लिटल? आई कांट सी वर्ड्स ऑन द स्क्रीन। लाइट फ्रॉम द टेलीविजन स्क्रीन इज नॉट एबल टू रीच एट हिज आई एज द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय मैन। लाइट जो है टेलीविजन से वो एरिस की आईज तक जो है वो प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि जो उसका पाथ है, रास्ता है, वो किसने ब्लॉक किया हुआ है? मैन ने। ठीक है, अगर आप भी टेलीविज़न कभी देखते हो तो आगे आगे कोई खड़ा हो जाता है तो आप क्लियरली देख नहीं पाते, क्योंकि वो जो लाइट का पाथ होता है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि लाइट ने तो स्ट्रेटली ही ट्रैवल करना है ना। अब फॉर एग्जांपल ये आगे आगे लाइट तो ये ऐसे स्ट्रेटली ट्रैवल कर रही है, अगर ये आगे आगे ये इसका मतलब ये तो नहीं कि लाइट जो है वो टेलीविज़न की लाइट यहाँ से एक साइड से ट्रैवल होकर आपकी आईज में चली जाएगी। नो, लाइट ने जो है वो कोई भी लाइट हो सकती है, उसने स्ट्रेट ही ट्रैवल करना है। एज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स इट कैन नॉट बेंड अराउंड मीन टू रीच एट इज आई। सो ये स्ट्रेट अगर मूव करती है, ये बेंड नहीं हो सकती कि ये बेंड, अगर यहाँ पे मीन बैठी है तो ये यहाँ से बेंड हो गया एरिस की आई में पहुँच जाएगी। नो, इसको ही मूव आउट होना पड़ेगा, देन जो है वो लाइट जो है वो एरिस की आईज तक पहुँच सकेगी। ओके, वट हैपन्स टू द लाइट वेन इट इज रिफ्लेक्टेड? शाइन अ टॉर्च ऑन अ हैंड हेल्ड मिरर सो दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू द वॉल। जब भी आप किसी हैंड हेल्ड मिरर पे टॉर्च जो है वो शाइन करोगे तो लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके उसका इमेज किस पे बनेगा? वॉल पे, लाइक दिस। ओके, चेंज द पोजिशन ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हाउ टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस। आप अब टॉर्च की जो है वो पोजिशन चेंज करोगे। आप अगर पहले इस एंगल से लाइट जो है इस पे शाइन कर रहे थे तो अब दूसरे एंगल से करोगे, और फिर आप चेक करोगे कि अब जो है वो रिफ्लेक्शन में क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, कभी भी आप हैंड हेल्ड मिरर लो और उस पे टॉर्च शाइन करके देखो तो आप देखोगे उसका इमेज जो है वो वॉल पे। एज यू नो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। जैसे कि आप जानते हैं लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करती है। वेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑफ अ सर्फेस सच एज अ मिरर और एन ऑब्जेक्ट द पाथ ऑफ लाइट चेंज डायरेक्शंस। जब ये रिफ्लेक्ट करती है लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जाम्पल मिरर की आप एग्जाम्पल ले लेते हो, तो वो उसकी जो डायरेक्शन है उस लाइट की जो है वो चेंज कर देती है। Knowing this property of light has helped us in many ways. Mirror are an example of how this property is useful in our daily lives. So आप देखते हो कि मिरर जो है वो हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मिरर को हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे वेज में यूज़ करते हैं। मिरर्स कैन रिफ्लेक्ट लाइट वेल एंड आर यूज्ड इन मैनी वेज। मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को वेरी वेल और बहुत सारे वेज में यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो भी आप मिरर यूज़ करते हो, हेयर कॉम करते हो या ख़ुद रेडी होते हो तो आप किसका यूज़ करते हो? मिरर का यूज़ करते हो। मिरर का यूज़ और भी बहुत सारे वेज में होता है इन आवर डेली लाइफ। ओके, अ ड्राइवर इन अ कार इज एबल टू सी द कार बिहाइंड हिज कार बाय लुकिंग एट द साइड व्यू और रेयर व्यू मिरर। What would happen if the car did not have these mirrors? जो भी कार ड्राइवर है, ठीक है, वो उसमें किसी भी कार में जो है वो मिरर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये रेयर व्यू मिरर है और ये साइड व्यू, ये जो कार के अंदर होता है ये साइड व्यू मिरर है। ठीक है, ये मिरर्स किस लिए यूज़ होते हैं? ताकि कार ड्राइवर जो है वो अपनी कार के पीछे जो भी कार है, बस है, बाइक है, उस चीज़ को देख सके। एंड वट वुड हैपन इफ द कार डिड नॉट हैव दीज मिरर्स? अगर कार के अंदर ये मिरर्स ना हो तो क्या हो जाए?
तो वो अपने पीछे आने वाली कार को या किसी भी चीज़ को वो देख ना सके और एक्सीडेंट हो सकता है ना। सो ये मिरर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पीछे आने वाले या साइड पे आने वाले किसी भी चीज़ को, कार को, बाइक को, किसी भी चीज़ को देख सकता है और इजीली वो वहाँ से मूव आउट हो जाता है। ओके, सो फॉर टुडे आई होप यू पीपल गॉट इट। रीड इट केयरफुली इफ यू गेट एनी कन्फ्यूजन, सो लेट मी नो, आई एक्सप्लेन अगेन अबाउट इट।